मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। अभी आते हुए जिस रोड से हम आए, आपने उसके हाल देखे होंगे, महाड़ी वाली जो रोड, मेले वाली रोड। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतना कहना है कि ये जो स्मार्ट सिटी है वो सरकार के कागजों पे है, सड़क पे नहीं। और अगर कोई सवाल कर दे तो मुकदमा, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, कोई नेता हो या कुछ और, सब पे मुकदमा। आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे अभी, हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं जिनके लिए सवाल आप पूछ रहे हो। हमारी लड़ाई उनसे है जिनके, जिनसे हमें कुर्सी छीननी है, जिनके पास मेयर का पद है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में है ही नहीं, जिनसे लड़ाई नहीं, उनके लिए क्या सवाल और उनको क्या जवाब। लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि किसको क्या मिलेगा। हमारा काम मेहनत करना है। पिछले 5 साल से हम लगातार मेहनत करते रहे, अब भी मेहनत कर रहे हैं। सरकार गठबंधन चुनाव के बाद 2022 के बाद नेता घर बैठ के, जिनको चुनाव लड़ना था, फिर से अंबेडकरवादी समाजवादी सड़कों पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि अन्याय होता जाता है। आपने अतीक अशरफ की बात की, आकाश की बात नहीं की आपने, कि आगरा में मध्य प्रदेश के आकाश गुजर को पुलिस इनकाउंटर में मार देती है, पुलिस के लोग खुद अधिकारी कर्मचारी घूस में पकड़े जा रहे हैं। तो हालात खराब है, इसको बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहें। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अंबेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पर, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ और किसके राज में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार का। कोई बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे। 2 दिन हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना पूरे प्रदेश में होगा। ये सिर्फ यही नहीं, ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना है, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों के फर की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से एक इंजन इस बार अभी कम करेंगे, और बाकी दो इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।